नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं परिश्रम का महत्व नामक निबंध, और ये संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन भी आप सीख सकते हैं और ये निबंध भी आप जान सकते हैं कि परिश्रम का क्या महत्व है। दोस्तों, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी भी असफल नहीं होता है। जो परिश्रम करता है वह हमेशा सफल होता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। तो इसी के साथ हम इस पैराग्राफ का, इस अनुच्छेद का सबसे पहले हिंदी में अनुवाद सीखते हैं, और उसके बाद एक एक वाक्य का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद सीखेंगे। तो देखिए, परिश्रम है, परिश्रम है मीन्स मेहनत, हार्ड वर्क। परिश्रम है एक सर्वातिशायी सकल कामना सिद्धि प्रदाय उपाय वर्तते। सफलताया मंत्र परिश्रम है एक यत्र परिश्रमेण है वसंति तत्र सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। कार्याणि च यत्र सिद्ध्यन्ति तत्र प्रसन्नताया आनंदस्य एव वातावरणं भवति। सर्वे जनाः परस्परं स्नेहं आदरं च कुर्वन्ति पुनश्च परिश्रमेण मानसिक रूपेण शारीरिक रूपेण च स्वस्था निरोगाश्च भूत्वा आयुष्मन्तः भवन्ति। एतत् विपरीतं आलस्यम् एकम् एव मनुष्यस्य बलियान् शत्रु अस्ति। आलस्य कारणात् मनुष्य न केवलं स्वकीयम् अहितं करोति अपितु सर्वेषां जनानां कृते कष्टकारको भवति। अलसः जनः स्वयं अपि निष्फलः असफलाश्च भवन्ति। ते अन्यान् अपि हतोत्साह कृत्वा निरर्थका इव सम्पादयन्ति। अतः आलस्यं विहाय परिश्रम एव आचरणीयः। तो इसका संस्कृत में उच्चारण किया गया। अब दोस्तों, प्रत्येक वाक्य का हिंदी में हम अनुवाद करते हुए इस परिश्रम नामक निबंध को पढ़ेंगे। परिश्रम एव, परिश्रम ही सर्वातिशायी अत्यधिक सकल कामना सिद्धि प्रदाय है, सभी कामनाओं को सिद्धि प्रदान करने वाला, सभी कामनाओं को सफलता प्रदान करने वाला उपाय वर्तते, उपाय है। परिश्रम ही सर्वातिशायी सबसे अधिक सभी इच्छाओं को सफलता प्रदान करने वाला, सभी इच्छाओं को सफलता प्रदान करने वाला उपाय है। सफलताया मंत्र है परिश्रम है एव, सफलता का मंत्र परिश्रम ही है। यत्र परिश्रमेण वसन्ति, जहां परिश्रमी रहते हैं तत्र वहां सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति, सभी कार्य सिद्ध होते हैं। कार्याणि च यत्र सिद्ध्यन्ति, और जहां कार्य सिद्ध होते हैं का मतलब सफल होते हैं, तत्र वहां प्रसन्नताया आनंदस्य एव वातावरणं भवति। प्रसन्नता का, आनंद का ही वातावरण होता है, वहां प्रसन्नता का, आनंद का ही वातावरण होता है। सर्वे जनाः परस्परं स्नेहं आदरं च कुर्वन्ति, सभी लोग आपस में स्नेह और आदर करते हैं। पुनश्च, और फिर परिश्रमेण मानसिक रूपेण शारीरिक रूपेण से स्वस्था निरोगाश्च भूत्वा आयुष्मन्तः भवन्ति। और फिर परिश्रमी लोग मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ और निरोग होकर के आयुष्मन्तः भवन्ति, अत्यधिक आयु वाले होते हैं। एतत् विपरीतम् आलस्यम्, इसके विपरीत आलस्य एकम एव मनुष्यस्य बलियान शत्रु अस्ति, एक ही मनुष्य का बलवान शत्रु होता है। आलस्य कारणात् मनुष्य न केवलं स्वकीयम् अहितं करोति, आलस्य के कारण से मनुष्य न केवल अपना अहित करता है अपितु सर्वेषां जनानां कृते कष्टकारको भवति, अपितु सभी लोगों के लिए कष्ट कारक होता है।
अलसा जनः स्वयं अपि निष्फला असफलाश्च भवन्ति। आलसी लोग स्वयं भी निष्फल और असफल होते हैं। ते अन्यान वे दूसरों को भी हतोत्साहित्वा हतोत्साहित करके निरर्थका एव संपादयन्ति, निरर्थक के समान ही संपादन करते हैं। अतः आलस्यम विहाय परिश्रम एव आचरणीय, इसलिए आलस्य को छोड़कर के परिश्रम का ही आचरण करना चाहिए। इसलिए आलस्य को छोड़कर के परिश्रम का ही आचरण करना चाहिए। परिश्रम करने वाले मनुष्य हमेशा सफल होते हैं और आलसी मनुष्य सफल नहीं होते हैं और दूसरों को भी हतोत्साहित करते हैं। तो एक बार फिर एक साथ इस अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद सीखते हैं। परिश्रम ही अत्यधिक सभी इच्छाओं को सफलता प्रदान करने वाला उपाय है। सफलता का मंत्र परिश्रम ही है। जहां परिश्रमी रहते हैं वहां सभी कार्य सफल होते हैं और जहां कार्य सफल होते हैं वहां प्रसन्नता का आनंद का ही वातावरण होता है। सभी लोग आपस में स्नेह और आदर करते हैं और फिर परिश्रमी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ और निरोगी होकर के आयु वृद्धि वाले होते हैं। इसके विपरीत आलस्य एक ही मनुष्य का बलवान शत्रु है। आलस्य के कारण से मनुष्य न केवल अपना अहित करता है अपितु सभी लोगों के लिए कष्टकारक होता है। आलसी मनुष्य स्वयं भी निष्फल और असफल होते हैं। वे दूसरों को भी हतोत्साहित करके निरर्थक के समान ही संपादन करते हैं, अर्थात कार्य करते हैं। इसलिए आलस्य को छोड़ करके परिश्रम का ही आचरण करना चाहिए। तो दोस्तों, हमेशा मेहनत करने वाले लोग सफल होते हैं। कहा भी गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, कार्याणि न मनोरथैः, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। परिश्रम उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, कार्याणि न मनोरथैः, सभी कार्य परिश्रम से ही सफल होते हैं। मन की इच्छा से कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुंह में अपने आप शिकार प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि शिकार करने के लिए शेर को पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है, परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।